धन्यवाद कर दिया चुनावी घर जनवाद खोला दे अनिल भारतीय जनता पार्टी देखिए आज गुरुघर में आशीर्वाद लेने के बाद मेरी बहन पिंकी और मेरी माताजी ने आज जो शुभारंभ किया है इस दफ्तर का, चुनावी दफ्तर का, और क्योंकि ये सारा बहुत स्कैटर्ड एरिया है और ये सेंट्रल पॉइंट है, तो इनकी जिम्मेवारी रहेगी यहीं से जो ऑपरेशन होगा चुनावी ऑपरेशन की, किसी को कोई सामान की जरूरत है, झंडे डंडे जो भी है, किसी को कोई दुख तकलीफ है, किसी के कोई ग्रीवेंसेज हैं, कोई केवल कोई इश्यूज़ भी सारे यहाँ पे सेटल होंगे, तो ये एक सेंट्रल पॉइंट है। मैं अपनी बहन पिंकी जी को और मेरी माता जी को, कावला सिंह जी को, जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता साथी हैं, सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, सब सबसे आपके माध्यम से आशीर्वाद मांगता हूँ। ये मेरा चुनाव नहीं है, आपका चुनाव है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए चुनाव है, राष्ट्रभक्त और राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए। अजी भी आज गांव गांव जा रहे हैं, कैसा समर्थन लोगों का मिल रहा है? देखिए आपकी सुबह से साथ भरपूर जन समर्थन और विश्वास लोगों को देख के लगता है कि लोगों ने मन बना लिया, फिर भी चुनाव है, चुनाव लड़ा जाता है, लड़ के जीता जाता है, तो हमारी यही कोशिश है कि मेरा आपके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं हर गाँव, हर मोड़ा, हर गली, हर मोहल्ला मेरा आने का प्रयास होगा। जैसे कार्यक्रम बने हैं 25-30 दिन शेष बचे हैं, 30 दिन में मैं लगभग पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी कवर करने का मन करूँगा और लोगों से अपील। रजीव जी, कंडी क्षेत्र का एरिया सारा, जसरोटा विधानसभा क्षेत्र है, सब कंडी एरिया है, वो काफ़ी लोगों को यहाँ बहुत सारी मुश्किलें हैं। यहाँ जो भी मुश्किलें हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा एरिया मेरा पुराना एरिया है, जो मेरी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी थी करूँगा, 60% एरिया है, मैं इन समस्याओं से बातचीत करता हूँ, मैं जो समस्या है लोगों की जो समस्या है मैं जानता हूँ, जो भी समस्या होगी इसीलिए लोग नुमाइंदा चुनते हैं, अपना चौकीदार पहरेदार जो चुनने का जो काम लोग करते हैं, पहले भी लोगों को निराश नहीं किया, आगे भी निराश। तो लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? लोगों से यही है कि हाथ बांध के अपील है कि मेरी कार्यशैली, मेरा कामकाज आपने पहले भी देखा है, पहले भी आपने सेवा का मौका दिया, थोड़े अरसे के लिए हम 3-3.5 वर्ष के लिए रहे, और अब आशीर्वाद पुनर एक बार आशीर्वाद मांगने आया तो लोग समर्थन देंगे। ये जो हमारे भाई हैं पूरे दम, छोटा पहले भी काम किया, छोटा भाई है, और मैं ये आज आपको कह देता हूँ कि हम इस कंडी क्षेत्र का मिलजुल के समाधान करेंगे, हर मुश्किल हल करेंगे, और इतना भी बोलता हूँ कि ये जो मुकाबला है एक तरफा मुकाबला है। कितनी बड़ी जीत होने वाली है, ये तीनों सीटों को, और सबसे ज्यादा ये वाली सीट ये मुकाबला है, और ये बड़े मार्जिन से हम ये सीट जीतने वाले हैं, और हम ये तीनों जिले की सीटें जीतेंगे, और सबसे मार्जिन से ज्यादा वाली सीट ये एक तरफा मुकाबला ही लेते हैं।